अयोध्या में बरसात ने विकास की पोल तो खोल ही दी है, लेकिन अब इलाज को भी बाधित कर दिया है। श्रीराम अस्पताल के प्रांगण में पहुंचे बरसात के जल ने इमरजेंसी सेवा के साथ साथ एक्सरे रूम को भी अपने आगोश में ले लिया। इमरजेंसी और एक्सरे दोनों बाधित हो गया। अब जिम्मेदारों ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एक हफ्ते में जल निकासी की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि भगवान राम की नगरी में एकमात्र श्रीराम अस्पताल और वहां की आकस्मिक चिकित्सा सेवा के साथ साथ एक्सरे सेवा बाधित हो गई और इसमें तमाम नुकसान भी हुए होंगे, क्योंकि जल भराव जिस जगह हुआ वहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ यह जिम्मेदार नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी सेवा और एक्सरे रूम में बरसात का पानी गया तो जाहिर सी बात है कि नुकसान हुआ ही होगा। फिलहाल जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के साथ साथ नगर आयुक्त ने भी जल भराव के स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया है और यह दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर नगर निगम की टीम जल निकासी को लेकर प्रयास कर रही है। श्रीराम अस्पताल अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ अयोध्या धाम के लोगों के लिए भी एकमात्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध करा रहा है और ऐसे में यहां पर जल भराव श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ लेना मुश्किल हो जाएगा। चूँकि भारी बारिश हुई, बारिश की वजह से पीछे हमारी दीवार भी टूट गई है, तो उसकी वजह से पीछे कीचड़ और पानी अस्पताल में घुस आया और उस साइड से जो सड़क बन रही है रामपथ वाली, उधर नाला बंद था, उधर से ओवरफ्लो करके हमारे लेटरिन और बगल की पाइप से इमरजेंसी और एक्सरे रूम में पानी भर गया था, तो काम थोड़ा सा बाधित हुआ था। तो उसकी साफ़ सफाई करके नगर इमरजेंसी में पानी घुस गया था और इसके बाद EMO रूम में पानी था और एक्सरे रूम में पानी चला गया था। तीनों जगह काम बाधित हुआ था। नगर आयुक्त महोदय आए थे, हमने उनसे अनुरोध किया, उनकी पूरी टीम आई थी। तो कुछ बाधा भी हुआ इस दौरान? हाँ, तो अब चूंकि पानी भर गया था तो थोड़ी देर लिए बाधा तो थी ही, थोड़ा दिक्कतें आईं। अब कैंपस में कीचड़ कीचड़ हो गया था।